महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से नाथूसरी चोपटा ब्लॉक के अंदर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में ये महिला हमारे साथ है जो कि मटका दौड़ के अंदर लगातार 5 साल से फर्स्ट आ रही है। जी, क्या नाम है आपका? थोड़ी नाम। कौन सा गांव? गांव जसानिया। हाँ जी, बताइए कितनी बार आप ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं? 5-6 बार ले लिए जी। अच्छा, काल सिर से आई। कौन सा स्थान आया था आपका? काल पहला स्थान आयो सिर से। अच्छा, राज अठागे पहला स्थान जी आपको। तो कोई पहले तैयारी थी, कैसे, क्या कारण है? घड़िया चक चक गोबर गिर गया था, पढ़ना आ गया। और कहता भाई आई बात हो गया, सही बात कहा, पढ़े पढ़े लिखे और दे तो बेरो पढ़ा रहे गोबर गिरा और वो बाजार में नाम आ गया जी। मैं पूजा गांव चारवाला से बीए फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ। ये गांव में जो महिला खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जा रही है, गांव में अक्सर क्या है, महिलाएं सारी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो उनको भी मनोरंजन चाहिए होता है। उनके शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छी पहल है और सरकार को ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाते रहना चाहिए। आपकी क्या पोजीशन रही है इस गेम? मेरी 400 मीटर रेस में 2nd पोजीशन रही है। आज की हमारी खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है महिलाओं की, जो कि ये पहले खंड स्तर पे होती है, उसके बाद जिला स्तर पे होती है और उसके बाद स्टेट लेवल पे भी ये खेलकूद प्रतियोगिता होती है, जिसमें कि अलग अलग कैश प्राइज रखे हुए हैं और इनके अकाउंट्स में डाले जाते हैं। कौन कौन सी गेम इसमें आयोजित होती है? इसमें 2 तरह के एज ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं, 18 से 30 और 30 से 45 एज ग्रुप है, जिसमें कि आलू रेस है, आलू चम्मच है, और मटका रेस भी है, और 200-300 मीटर की दौड़ है, और एक साइकिल रेस होती है। इसमें क्या इनाम क्या दिया जाता है इस ब्लॉक लेवल? इसमें ब्लॉक लेवल पे है 1100 है, 700 है और 550 है, और उसके बाद है इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे जब ये सारे खंड स्तर पे हो जाएंगे 8 ब्लॉक में, तो 4100, 3100 और 2100 रुपये की राशि दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई डेट डिसाइड है या अभी नहीं हुई? अभी एक ब्लॉक हमारा और रहता है माधोसिंगाना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में डिस्ट्रिक्ट का करेंगे प्रोग्राम। आज अपने ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता थी महिलाओं की और बहुत अच्छा आयोजन था। इससे क्या है कि जैसे महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो बाहर आएं और खेलों में अपना भाग लें, क्योंकि स्वास्थ्य आज बहुत अपना मुख्य है, क्योंकि बीमारी तो मुंह बाई खड़ी है, तो खेल एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इस दौरान जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके दौरान एक ये प्रोग्राम करवाया गया था और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के अच्छे कई प्रतियोगिताएँ हुई और विनर को इनाम दिया गया है। सीढ़ी पर मैडम भी आए हुए हैं और सभी मिलकर सब ने अच्छा प्रोग्राम किया है।